English trainer. Now, student, R one is ten. Phil, Harvey. This is our one word substitution. Student, our one word substitution is Phil Harvey. It means loving trees. जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा loving trees, उस समय आप लोग फिलहाल में पुट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के केस में. इसी तरीके से स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फिलोडेंड्रोन. दिस इज अवर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फिलोडेंड्रोन. इसका जो मीनिंग होता है स्टूडेंट, a typical climbing plant that like the shadow tree. इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फिलोडेंड्रन पुट करेंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. आप देख रहे होंगे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें ये वर्ड याद थे फिला, फिलो एंड फाइल. इनको मैंने ऐसा प्रीफिक्स का रोल प्ले किया है और उसमें ये वर्ड्स यूज किए हार्मोनिक और सेकंड वर्ड डेंड्रोन. इसको ऐड करके मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कास्टिंग करी है और इस तरीके से मैंने ये दोनों वर्ड की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बनाए हैं. आप लोग इसे अच्छी तरीके से लर्न करके अपने प्रिपेयर करें. नाउ वी लुक आवर नेक्स्ट वर्ड. नाउ आर वर्ड इज टेन. आर वर्ड इज टेन बिफोर फाइव. दिस इज आर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट. ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बिफोर फाइव. इसका मीनिंग होता है प्रेफरेंस ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये इसका मीनिंग होता है. और क्वेश्चन भी आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आएगा वो इस तरीके से आएगा प्रेफरेंस ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उस समय आप लोग मीसोफाइल पुट करेंगे. आप देख रहे होंगे ये आपका मिशो वर्ड था. इसको मैंने फाइल को ये सफिक्स लिखा हुआ है सफिक्स से रोल प्ले करते हुए यूज किया है. ये जो वर्ड है आपका फाइल, इसको ऐसा मैंने सफिक्स का रोल प्ले करते हुए यूज किया है. ठीक है, इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कायरोफाइल. दिस इज आवर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ये भी हमारा एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कायरोफाइल. कायरोफाइल का स्टूडेंट मीनिंग होता है प्रेफरेंस फॉर कोल्ड क्लाइमेट. जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट प्रेफरेंस फॉर कोल्ड क्लाइमेट आप पुट करेंगे कायरोफाइल. ठीक है, आप देख रहे होंगे हम कितनी आसानी से फाइल, फिलो एंड फिला यूज करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग कर रहे हैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहता हूं ये जो कायरोफाइल है, इंग्लिश ट्रेनर, कायरोफाइल है इसकी जगह पर कायरोफिलिया है. कायरोफिलिया तो भी आपका जो मीनिंग होगा प्रेफरेंस फॉर कोल्ड क्लाइमेट. इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा उस कंडीशन में भी आपको कायरोफिलिया पुट कर सकते हैं. कायरोफाइल के प्लेस पे आप लोग कायरोफिलिया भी पुट कर सकते हैं जब कभी आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट प्रेफरेंस फॉर क्लाइमेट कंडीशन आप पुट कर सकते हैं कायरोफिलिया. इसी तरीके से ये जो मैंने आपको मिसोफाइल बताया इसमें भी आप लोग चाहे तो मिसोफिलिया भी पुट कर सकते हैं. क्या पुट कर सकते हैं? मिसोफिलिया.
यस, आपको मिसोफिलिया भी यदि आपके एग्जाम में आता है तब भी आपका जो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, प्रेफरेंस ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेफरेंस ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर भी आप मिसोफिलिया ही कोट करेंगे। ये एडिशनल चीज है, ये मिसोफिलिया एंड काइरोफिलिया एडिशनल है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया, इसलिए मैंने इस दोनों वर्ड को लास्ट में बताया है ताकि आप लोग इसको समझने में डिफिकल्टी ना हो और आप अच्छे तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले आते हैं। नाउ स्टूडेंट, आई एंड दिस वीडियो हियर। नाउ कंटिन्यू फॉर वॉचिंग इस नेक्स्ट पार्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।